आज विशेष सत्र विधानसभा का ये बुलाया गया था और उसका जो बुलाने का हेतु था कि जैसे 126वां संशोधन लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित हुआ है जिसमें रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए जो बढ़ाया गया है उस बिल के रेटिफिकेशन के लिए आज का यह विशेष सत्र था। तो इस विशेष सत्र में हमने प्रस्ताव पारित करके सर्वसम्मति से उसको रेटिफाई कर दिया है और उस प्रस्ताव को पास करके और भिजवाने का काम विधानसभा की ओर से हो जाएगा। इतना ही मात्र काम था। कल और परसों दो दिन का विधानसभा के अध्यक्ष जी की ओर से सभी विधायकों का प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम दो दिन का रखा गया है। अब इस प्रशिक्षण के लिए कल दोबारा से फिर मिलेगी विधानसभा। आप बता रहे हुए हैं, मैं तो अब जाऊंगा तब जानकारी मिलेगी। आज की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, प्रातःकाल 10 बजे शुरू हुई है। उसका जो फाइनल विधिवत डिक्लेरेशन वो तो चुनाव अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए जो चुनाव अधिकारी बने हैं वही विधिवत घोषणा करेंगे और जब घोषणा हो जाएगी उस समय पता लग जाएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। कोई खींचतान नहीं है, टेक्निकल बात है, मैंने कई बार कहा है, उस टेक्निकल बात को हम बैठ कर सुलझा लेंगे। देखिए उनकी अपनी एक राय है और मैं समझता हूँ हमेशा संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश हित में राष्ट्र हित में विचार करता है, तो देश हित के नाते से उन्होंने विचार रखा है और ये एक चर्चा का विचार है। सारे जितने भी देश के ऐसे जो प्रबुद्धजन हैं जो इस चीज़ को कर सकते हैं करने वाले हैं सब बैठ के विचार करेंगे और सबकी सहमति होने पर कानून तो तभी बनता है जब सबकी सहमति हो जाए। हम किसी के दबाव को ना कभी डालते हैं किसी के ऊपर ना झेलते हैं। ये तो जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है। किसी एक व्यक्ति ने एफिडेविट देकर के किसी के खिलाफ कोई शिकायत की है तो पुलिस का काम है उस एफिडेविट के दिए हुए स्टेटमेंट के आधार के ऊपर केस दर्ज करना। और ये दो प्राइवेट लोगों में आपस में कुछ लेन देन के मामले को लेकर के है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार का। वो कुछ भी कहेंगे इसका जवाब तो वो देंगे। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम किसी पर ना दबाव डालते हैं ना दबाव सहन करते हैं और एक जो प्रक्रिया के तहत जो प्रक्रिया होती है उसको रोकते नहीं, वो चलती है। देखिए जब भी कोई कानून बन जाता है और ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है, इवन कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि जब इसके ऊपर राष्ट्रपति की मोहर लग जाएगी कानून बन जाएगा तो ये सभी प्रदेशों को लागू करना एक प्रकार की ये अनिवार्यता हो जाती है। देश का कोई भी जो कानून बनता है पार्लियामेंट बनाती है वो सारे देश पर लागू होता है जिस भी संदर्भ में वो कानून पारित किया गया। किसी प्रदेश को ऐसी छूट नहीं है संविधान के अंतर्गत कि जो उस कानून को लागू ना करे।